हेलो गाइस गाइस, आज की हमारी वीडियो में हम द कंपनी एक्ट 2013 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे कि CSR के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ये प्रोविज़न कहाँ दिया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी वीडियो को अब भी लाइक करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसमें लॉ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हम बना चुके हैं और आगे भविष्य में भी बनाते रहेंगे, तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो आ जाओ, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं CSR की बात करूं, अर्थात कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो कंपनी एक्ट 2013 का है उसका जो सेक्शन 135 जो है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करता है। और साथ ही साथ जो कंपनी एक्ट की शेड्यूल 7 है, कंपनी एक्ट 2013 की जो शेड्यूल 7 है उसका शेड्यूल 7 जो है वो भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही डील करती है। अगर मैं बात करूं कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो देखो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनकी कुछ सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। मेरे दोस्तों, होता क्या है एक्चुअल में कि जो हमारे देश में कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो करोड़ों रुपीज़ कमा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रही हैं, तो हमारा कानून ये मानता है कि उनका कुछ दायित्व बनता है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि जो कंपनीज़ हैं जो बहुत सारा पैसा कमा रही हैं हमारे देश में रह के, तो उनकी एक ड्यूटी है कि वो समाज के लिए कुछ करें, वो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें, जैसे कि वो पुअर लोगों को शिक्षा दें, पूर्व बच्चों को स्कॉलरशिप दें, जैसे कि ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक जगह हैं उनकी रक्षा करें, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करें। तो ये हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात कंपनी की समाज को लेकर कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। तो आई थिंक आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ आ गया है। अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो CSR है ये कौन सी कंपनी करेगी, अर्थात जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी कंपनी को करनी है, क्या इंडियन कंपनी को फुलफिल करनी है या फिर फॉरेनर कंपनी को भी उठानी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि एक क्राइटेरिया दे रखा है हमारे कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के सब सेक्शन 1 में। तो क्राइटेरिया क्या है कि अगर किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है एक साल में जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या फिर 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से रुपीज से ज़्यादा है तो उस कंपनी को जो है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, CSR करना पड़ेगा, चाहे फिर वो कंपनी पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो या फॉरेनर कंपनी हो जो फॉरेन के व्यक्ति ने इंडिया में एस्टैब्लिश कर रखी है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, अगर उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एक साल का प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको CSR करना पड़ेगा, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हमारे देश के लिए, हमारे देश के गरीबों के लिए, हमारे देश जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके लिए, जो भी हमारे देश में है हिस्टोरिकल चीज़ें जो भी हैं कुछ भी। दूसरा जो है, या फिर एक तो ये हो गया 5 करोड़ का प्रॉफिट हो या 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट हो तो उस कंपनी को CSR करना पड़ेगा। दूसरा, जो कंपनी है उसका जो नेटवर्थ वो 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको भी CSR करना पड़ेगा उस कंपनी को, चाहे फिर वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी कंपनी हो। तीसरा, अगर किसी कंपनी का जो टर्नओवर आपको पता ही होगा, जो कंपनी टोटल जितना पैसा गेन किया, प्रॉफिट नहीं, जितना पैसा आया, प्रॉफिट बिना निकाले वो होता टर्नओवर, अगर कंपनी का टर्नओवर 1000
करोड़ या 1000 करोड़ से ज़्यादा है, 1000 करोड़ से ज़्यादा है तो उस कंपनी को भी CSR करना पड़ेगा। अर्थात ये तीन कंडीशनें अगर हो रही हैं पूरी, ये क्राइटेरिया जो दिया गया है इसमें कोई कंपनी आ रही है, मतलब कि उसका कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर जो टर्नओवर है 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज़्यादा है। मान लो ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं या कम है, मान लो 2 करोड़ है, पर उसका नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको करना पड़ेगा। अगर उसका मान लो किसी कंपनी का नेटवर्थ भी 500 करोड़ से 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ना नेट प्रॉफिट इतना है, पर उसका टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 से ऊपर हो रहा है तो उस कंपनी को भी CSR करना पड़ेगा। तो उस कंपनी की क्या ड्यूटी बनती है कि वो एक CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी। उस कमेटी जो कमेटी है उसमें मिनिमम जो है 3 डायरेक्टर होंगे, 3 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। पर जिन कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता ही नहीं है, जैसे अनलिस्टेड कंपनी में कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता ही नहीं है, तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। और जिन जो कंपनी प्राइवेट है उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए कम से कम। तो मान लो किसी प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर हैं तो उसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी जो है वह CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, वो CSR कमेटी पॉलिसीज बनाएगी, कंपनी को बताएगी कि आप कहाँ कहाँ CSR कर सकते हो, कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हो, क्या कर सकते हो। फिर वो कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन देगी बोर्ड को, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको रिकमेंडेशन देगी और वो बोर्ड जो रिकमेंडेशन उसको अप्रूव कर देगा। और इस हिसाब से जो बोर्ड है, जो कंपनी है, जो कंपनी का बोर्ड है अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, वो प्रोमिस करेंगे कि वो अपनी टोटल जो उनका इनकम है, टोटल जो उनका प्रॉफिट है, उसका 2% जो है CSR में स्पेंड करेंगे, 2% खर्चेंगे। मान लो कंपनी 100 रुपया कमा रही है तो 100 रुपये में से 2 रुपये जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो है खर्च करेंगे, गरीबों को स्कॉलरशिप दे देंगे, पूरे बच्चों को पढ़ा देंगे, जो हमारे ताजमहल है, लाल किला है, जो पुरानी पुरानी इमारतें हैं, मंदिर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पैसा खर्च करेंगे, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे। लेकिन शेड्यूल 7 में ना कुछ पॉइंट दे रखे हैं बहुत सारे, जिसमें बताया गया है कि किसको CSR नहीं माना जाएगा। कंपनी कोई पैसा लगाएगी पर फिर भी उसको CSR नहीं माना जाएगा, तो वो क्या क्या पॉइंट है मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई मान लो कंपनी है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देती है प्रचार करने के लिए, मान लो कोई कंपनी है उसने BJP, कांग्रेस या किसी और पार्टी को पैसा दे दिया बहुत सारा प्रचार करो आप, और कर को कंपनी बोलती है कि मैंने CSR किया, ये CSR नहीं माना जाएगा। और ये बात सेक्शन 182 में ही बोली गई है कंपनीज एक्ट 2013 के। साथ ही साथ अगर मान लो कोई कंपनी है वो अपने ही इम्प्लॉयज़, जो अपने ही इम्प्लॉय है कंपनी के, उनको पैसा देती है एक्स्ट्रा, उनके बच्चों को पढ़ाती है, और बाद में कंपनी बोलती है हमने अपने इम्प्लॉयज़ को पढ़ाया, अपने इम्प्लॉयज़ के बच्चों को पढ़ाया, अपने इम्प्लॉयज़ को पैसा दिया, एक्स्ट्रा पैसा दिया, बोनस दिया, तो ये भी CSR नहीं माना जाएगा। तो ऐसे शेड्यूल 7 में बहुत सारी चीज़ें हैं जो CSR नहीं मानी जाएगी। आप मुझे कमेंट करके बताना जो आपको पता हो, अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हमें पता नहीं है। मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और शेड्यूल 7 को अच्छे से डिटेल करूंगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ मेरी वीडियो का अंत होता है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।